बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज ये हमारे पास एक हमने कोड करना है असेंबली लैंग्वेज के अंदर, और उसकी स्टेटमेंट ये है, राइट एन असेंबली लैंग्वेज कोड फॉर पिक 18F452 इन विच 8-bit वैल्यूज इज रिसीव थ्रू पोर्ट बी। तो पोर्ट बी हमारे पास इनपुट पोर्ट है, तो हम लोगों ने इनपुट पोर्ट से वैल्यू रिसीव करनी है, ठीक है। फर्दर हमने क्या करना है, दिस वैल्यू इज कॉम्प्लीमेंटेड एंड स्टोर्ड एट लोकेशन 02H, और 02H पे हम लोगों ने इस वैल्यू को क्या कर देना है, इसको कॉम्प्लीमेंट करना है। हमने स्टोर करके कॉम्प्लीमेंट कर लें या कहीं और पहले स्टोर करके फिर कॉम्प्लीमेंट करके 02H में हम प्लेस कर देंगे। फर्दर इस प्रोग्राम में हमने इंक्रीमेंट करना है ये कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू को, कितनी दफा इंक्रीमेंट करना है जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, और फाइनली जो फाइनली रिजल्टेंट आएगा उसको हम लोग 02H पे सेंड कर देंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, हम लोगों ने पोर्ट को आउटपुट पोर्ट बनाना है। किस पोर्ट को आउटपुट पोर्ट बनाना है, जिस पोर्ट पे डाटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, पोर्ट डी हमारी आउटपुट पोर्ट है, और पोर्ट को हम लोग आउटपुट पोर्ट कैसे बनाते हैं, हम लोग उस पे 0 सेंड कर देते हैं ट्रेस पे। तो मूव लिटरल टू वर्किंग 00H, और इस वैल्यू को मैं कहां पे भेज देता हूं, ट्रेस रजिस्टर पे भेज देता हूं, मूव वर्किंग टू 5, और मैंने लिख दिया ट्रेस डी। तो हमारी पोर्ट भी क्या बन चुकी है, आउटपुट पोर्ट बन चुकी है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने अपनी वैल्यू उठानी है इनपुट पोर्ट से। तो बाय डिफॉल्ट आपकी सारी की सारी पोर्ट्स इनपुट पोर्ट्स हैं, तो मैं उसको दोबारा इनपुट बनाने की जरूरत नहीं है। मैं वैल्यू उठाता हूँ, मूव फाइल टू फाइल, हम लोग मूव कर रहे हैं वैल्यू को। कहाँ से उठा रहे हैं हम लोग वैल्यू, पोर्ट बी से वैल्यू उठा रहे हैं, पोर्ट बी से मैंने वैल्यू उठाई, और किस जगह पे प्लेस कर रहे हैं इसको, हम लोग 02H लोकेशन पे हम लोग प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। 02H लोकेशन, 02H लोकेशन पे प्लेस करने के बाद फर्दर क्वेश्चन में कहा हुआ है इसको कॉम्प्लीमेंट करने। तो कॉम्प्लीमेंट करने के लिए COMF कॉम्प्लीमेंट की हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन यूज कर ली, और हम लोग 02H को कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। पोर्ट बी को हम लोग डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट इस वजह से नहीं कर सकते कि पोर्ट बी हमारे पास क्या, इनपुट पोर्ट है, इनपुट डाटा को हम लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं। उसके लिए हम लोगों को उसको किसी अपने जनरल पर्पज रजिस्टर पे प्लेस हो, तो तब हम लोग उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखें इसमें कहा हुआ है इंक्रीमेंट करो इस वैल्यू को कितनी दफा जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो हम लोगों ने एक लूप लगाना है, लूप लगाने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मूव लिटरल टू वर्किंग कहीं फाइल में हम लोगों ने प्लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे का रजिस्ट्रेशन नंबर है 107, तो मैं डेसिमल में वैल्यू मूव कर दूंगा 107, और इसको किधर स्टोर कर लेता हूँ, इसको मैं किसी भी लोकेशन में स्टोर कर सकता हूँ फाइल रजिस्टर की, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ मैंशन नहीं है, तो मैं इसको स्टोर कर देता हूँ 00H पे। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ जी, मैंने अपने इस वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट करना है, इंक्रीमेंट करना है। तो इंक्रीमेंट के लिए मैं इंक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन लगा दी, इंक्रीमेंट फाइल। अब इंक्रीमेंट किसको करूंगा, 00H को या 02H को, तो 02H पे हमारे पास कॉम्प्लीमेंटेड डाटा है, तो मैं 02H को इंक्रीमेंट कर देता हूँ उसकी वैल्यू को। इंक्रीमेंट होने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, अब लूप की यहाँ पे आपने इंस्ट्रक्शन यूज करनी है। तो लूप आप लोग दो तरीके से लगा सकते हैं, डिक्रीमेंट फाइल्स के पे 0, और दूसरा डिक्रीमेंट फाइल और ब्राइन नॉट 0। मैं डिक्रीमेंट फाइल किसको डिक्रीमेंट करूं, मैं 00H को क्या कर दूंगा, डिक्रीमेंट कर दूंगा, और यहां पे यूज कर दूंगा ब्रांच नॉट 0। जब तक 0 नहीं आता हम लोगों ने किधर जाना है, अगेन यही प्रोसेस परफॉर्म करना है, और अगेन मैं कहां पे लिख देता हूं, इंक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन के साथ, ठीक है। अब ये 107 इसके अंदर क्या हो जाएगा, बेसिकली एड अप हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग इस लूप से बाहर आ जाएंगे। लूप से बाहर आने पे हम लोगों ने क्या करना है, इन कंटेंट्स को हम लोगों ने पोर्ट डी पे सेंड करना है। तो मूव फाइल टू फाइल, आंसर हमारा पड़ा हुआ है 02H में, इसको 02H से उठा लेता हूँ और कहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, पोर्ट डी के ऊपर सेंड कर दिया। नेक्स्ट कोड को हम लोगों ने नहीं कहा कि कोई भी ये ऑपरेशन दोबारा परफॉर्म करना है या नहीं करना, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक ब्रांच यूज कर लेंगे, और अनकंडीशनल ब्रांच के साथ हम लोग कह देंगे कि आप लोग किधर हैं, एक्स वाई जी लेबल पे, और एक्स वाई जी लेबल हम लोग इसी ब्रांच इंस्ट्रक्शन के साथ रख लेंगे। होपफुली ये समझ आ गया होगा। कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती तो कॉमेंट सेक्शन में मैंशन कीजिए। अल्लाह हाफिज़।